Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आज हम करने जा रहे हैं day 14 of our 15 day pledge to finish your complete syllabus for IP and computer science. So बहुत छोटी छोटी videos हैं, आधे आधे घंटे की 20 to 30 minutes की videos हैं. 15 videos में crash course है for completing your complete syllabus of IP and CS. So जो videos common हैं उसमें आपको ऊपर IP CS दोनों लिखा हुआ मिल जाएगा. अदरवाइज यू हैव सेपरेटली रिटन आई पी एंड सी एस. प्ले लिस्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पूरी की पूरी प्ले लिस्ट वॉच कर सकते हैं टू रिवाइज योर कम्प्लीट सिलेबस फॉर योर टर्म टू बोर्ड एग्जाम. तो आज जो हम करने वाले हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. सो ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक केस स्टडी दी जाती है जिसमें आपको कुछ यूनिट्स दे देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें कौन सा लेआउट बेस्ट होना चाहिए. सो लेआउट का मतलब होता है टोपोलॉजी. सो द लेआउट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क और द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज टेक्निकली कॉल्ड टोपोलॉजी. कि आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर कैसे रहे हो, वॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दैट. सो वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स देख सकते हो. सो यहाँ पर सबसे पहली टोपोलॉजी जो हम डिस्कस करेंगे वो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी, विच इज़ स्टार टोपोलॉजी. आपको हर टोपोलॉजी की अरेंजमेंट याद रखनी है, डायग्राम याद रखना है, क्योंकि अगर थ्योरी क्वेश्चन में आता है तो यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली. आपको हर टोपोलॉजी की दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस याद रखनी है. ये सारे नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर दिए हुए हैं. मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप पर आई ट्राई कि हर ऑल्टरनेट डे पर टेलीग्राम ग्रुप पर दोबारा शेयर करती रहूँ, ताकि जो बच्चे नए जुड़ते जा रहे हैं उन्हें भी वो नोट्स मिलते रहें. ठीक है, सो आई विल ऐड दैट. सो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो. सो नेटवर्क टोपोलॉजीज में सबसे पहली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी. अब देखो, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक डिवाइस, एक कोई भी सेंट्रल डिवाइस होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या सिर्फ आपकी हब ही क्यों ना हो. सो वन सेंट्रल डिवाइस इज देयर जिसके साथ बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. So all other computers or devices are connected with one central device. तो एक central device के साथ rest all the devices are connected. So now if this device has to transmit something to this one, तो वो directly नहीं भेज सकता. यहाँ से it has to go to the central device, then central device will further pass it on. So that's how the data is transmitted. Faster transmission होती है क्योंकि यहाँ जाएगा यहाँ से सीधा जाएगा, दो ही step है. ठीक है, सो ये बहुत अच्छी टोपोलॉजी है. वी हैव सेंट्रलाइज कंट्रोल, पूरे नेटवर्क का कंट्रोल हमारे पास है, ट्रांसमिशन फास्ट है, ठीक है, इफ़ेक्टिव है, बीच में डेटा लूज होने के, डेटा कोलिजन होने के चांसेस नहीं होते हैं, डेटा इजीली दूसरी साइड तक भेजा जा सकता है. सो इट इज़ बेस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि अगर ये सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो गया है ना, जस्ट इमेजिन अगर ये सेंट्रल डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा. सो इफ योर सेंट्रल डिवाइस इज नॉट वर्किंग द होल नेटवर्क विल स्टॉप वर्किंग. यस, द होल नेटवर्क विल स्टॉप वर्किंग. सो दैट इज द वन मेजर ड्रॉबैक. अनदर ड्रॉबैक इज अ लॉट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड. तार बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि कभी भी अगर आप एक नेटवर्क एज्यूम करोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सेंट्रल डिवाइस रूम के बीच में पड़ा होगा. अगर एक बहुत बड़ा हॉल है तो हम डिवाइस को बीच में नहीं रखेंगे. उस हॉल में जो कंप्यूटर्स हैं वो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं, तो होगा क्या कि अगर आपका यहाँ साइड पर एक सर्वर वाला कंप्यूटर है और बाकी के कंप्यूटर्स पे यहाँ से केबल जाएगी अलग अलग, तो इस तक अलग गई, तो यहाँ से एक अलग केबल जाएगी अलग कंप्यूटर के लिए, फिर अलग केबल जाएगी अलग के लिए. सो फॉर एवरी कंप्यूटर यू नीड अ सेपरेट वायर फ्रॉम द सेंट्रल डिवाइस. तो कंप्यूटर रूम में जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा सेंट्रल डिवाइस से, वहाँ तक उतनी लंबी तार हमें दोबारा से चाहिए होगी. सो अ लॉट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड, सो इट बिकम्स अ बिट एक्सपेंसिव, राइट. बाकी इसमें सारी एडवांटेजेस हैं. अगर कोई कंप्यूटर नहीं चलता है, इट इज़ इजी टू फाइंड आउट कौन सा वाला काम नहीं कर रहा है, वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन रिप्लेस दैट. ठीक है, जबकि दूसरी टोपोलॉजीज में कभी कभी मुश्किल हो जाता है टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली फॉल्टी कंप्यूटर है कौन सा. सो ये तो है स्टार टोपोलॉजी जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है. देन कम्स बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी इज द सेकेंड कॉमनली यूज टोपोलॉजी वी हैव. इसमें हमारे पास एक मेन केबल होती है जिसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है. सो वी हैव अ मेन केबल और सारे के सारे कंप्यूटर्स उसी केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं. सो इसी में एक टी टाइप का कनेक्टर आता है
उस टी टाइप के कनेक्टर की हेल्प से, मतलब टी ऑब्वियसली ऐसे बना होता है, नीचे को ऐसे होता है, सो इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दोज टी टाइप कनेक्टर्स. सो ये इस केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं. एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ केबल पे कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि केबल किस तरह की है और उसकी लेंथ कितनी है. सो कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड, वेरी इजी टू इंस्टॉल. सो इसका एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल, नॉट दैट एक्सपेंसिव, इजी टू मेंटेन, ये इसके बेनिफिट्स हैं. ड्रॉबैक में ऑब्वियसली अगर केबल ख़राब हो गई, जैसे उसमें सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसमें अगर केबल ही ब्रेक हो गई तो डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा? अगर केबल काम नहीं कर रही है तो योर डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, हम आगे डेटा पास नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक, अगर इसमें कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है ड्यू टू सम रीजन, इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला काम नहीं कर रहा है. तो ये डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर है जो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली. सो डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस. ठीक है, और दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स. इसके अलावा इसमें एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है CSMACD, ये आपको फुल फॉर्म्स में भी पूछा जा सकता है. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है? ये जो केबल है ये कैरियर है, इसके ऊपर डेटा ट्रैवल करता है ना, तो ये कैरियर है जो डेटा को कैरी करता है. सो हर कंप्यूटर को डेटा भेजने से पहले सेंस करना पड़ता है कि केबल खाली है या नहीं है. अगर खाली है तभी डेटा भेज सकते हैं, अगर खाली नहीं है तो डेटा नहीं भेज सकते हैं. सो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तो पहले वो सेंस करता है फिर डेटा भेजता है. अगर दो लोगों ने एक साथ सेंस किया और दोनों को लगा कि केबल फ्री है और दोनों ने एक साथ भेज दिया तो वो टकरा जाएगा, देयर विल बी अ कोलिजन, वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा एंड दे हैव टू सेंड इट अगेन. सो देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ कोलिजन डिटेक्शन, कि अगर कोलिजन हुआ है तो कंप्यूटर्स को पता चल जाएगा कि उनका डेटा जो है वो कोलाइड हो गया एंड वो नहीं पहुंचा अपने डेस्टिनेशन तक. सो इट शुड बी रीसेट. तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं. ठीक है, देन कम्स रिंग टोपोलॉजी, वेरी रेयरली यूज नाउडेज, पर रिंग टोपोलॉजी फॉर्म्स अ रिंग. इसको सर्कुलर टोपोलॉजी भी बोलते हैं. तो एज यू कैन सी, इसमें एक कंप्यूटर सेकेंड कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, सेकेंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ. तो इसमें क्या होता है, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एडजेसेंट टू कंप्यूटर्स. तो ये एग्जैक्टली दो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है जो कि इसके एडजेसेंट कंप्यूटर्स हैं, एक इस तरफ लेफ्ट पे, एक तरफ राइट पे. एडवांटेज इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल. ठीक है, आपको बनाने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है. देन लेस केबल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि दो दो के बीच में ही केबल चाहिए. ठीक है, ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक बीच में कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आगे पास होना पॉसिबल नहीं है, वी कांट गो थ्रू दैट. वहाँ से पास होके जाने वाला डेटा आगे पास ही नहीं हो पाएगा. अगर कोई कंप्यूटर ख़राब है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि कौन सा कंप्यूटर काम नहीं करना. अनदर डिफ़िकल्टी इज़ टू ऐड और रिमूव अ कंप्यूटर. आपने एक बार तो रिंग बना दिया, एक बार तो टोपोलॉजी बन गई, अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एक और कंप्यूटर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस केबल कनेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा. दिस केबल कनेक्शन हैज़ टू बी रिमूव्ड, देन आई हैव टू एस्टैब्लिश अ केबल कनेक्शन बिटवीन दीज टू कंप्यूटर्स. And then I have to establish a connection between these two computers. So a lot of wiring is required जब आपको एक कंप्यूटर को ऐड करना हो, या इवन अगर आपको रिमूव भी करना है, अगर इसको रिमूव करना है तो ये दोनों केबल्स हटानी पड़ेंगी और इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा. So a lot of work is required. ठीक है, so adding or removing a computer is not that easy in ring topology. Then comes mesh topology. ये सारी advantages, disadvantages notes में लिखी हुई हैं, आप वहाँ से याद कर सकते हो. ठीक है, मैश टोपोलॉजी कहती है कि एवरी कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्टेड विद एटलीस्ट टू कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. सो हर टोपोलॉजी में, मतलब इसमें हर किसी में, हर कंप्यूटर कम से कम दो के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. अगर हर कंप्यूटर हर किसी के साथ ही कनेक्ट हो गया, जैसे ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हो, इसमें एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. सो इफ दिस हैपन्स, दिस विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट टोपोलॉजी. So every complete is a mesh, but every mesh is not complete topology. So जहाँ पर minimum दो के साथ connected है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ ये computers ले लो, ये इसके साथ connected है. ठीक है, अभी ये क्या है, this is a proper mesh, ये exactly दो के साथ ही connected है. और अगर मैं ये भी connect कर दूँ तो भी ये mesh ही रहेगा, this is not complete, this is mesh. अगर आप इसको भी connect कर दो तो ये आपका
कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हर कंप्यूटर हर बाकी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. सो एवरी कंप्लीट टोपोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज मैश, बट एवरी मैश कैन नॉट बी टर्म्ड एज कंप्लीट. सो ये आपको पता होना चाहिए मैश और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है. मैश में एटलीस्ट टू कनेक्शंस पर कंप्यूटर होने चाहिए, कंप्लीट में हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. इसके अलावा एक और टोपोलॉजी है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, वो है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी आपको एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए. सो ट्री में क्या होता है, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा, कि आपके पास एक सर्वर जो है वो मेन सीईओ का कंप्यूटर हो गया, सीईओ के आगे जनरल मैनेजर्स के कंप्यूटर हो गए, उसके आगे फर्दर मैनेजर्स के कंप्यूटर हो गए. सो कितने भी ऐसे हो सकते हैं. सो यहाँ पे डेटा जो है वो ऐसे 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 ट्रैवल करता है. अगर इसको यहाँ पे कुछ भेजना है तो वो पूरा सीईओ के कंप्यूटर से होके जाएगा, तो पूरा ट्रैक रहेगा कि किसने किसको डेटा भेजा है. तो सीनियर्स विल ऑलवेज नो कि जूनियर्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. दैट इज ट्री टोपोलॉजी. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन सेंट्रल नोड कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स, तो आपको कोई फीचर बता दिया जाएगा टोपोलॉजी का और बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कौन सी टोपोलॉजी है. सो ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी. आप इसके आंसर चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, सो इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, दैट इज चेन टोपोलॉजी. It's not a network topology. Which topology needs every computer to be connected to with at least two computers? That's mesh topology. Which topology has one main cable to connect all the computers? Bus topology. ठीक है? Which topology fails where the central computer fails? Star topology. So ये तो हो गए different topologies. अब हम बात करेंगे network protocols की. बट बिफोर आई टेल यू अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, अगर आप IIT JEE या NEET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी हैज़ गॉट वन ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट. यस, आपके पास ये ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 4th and 5th June को, जिसको एनरोल करने की लास्ट डेट जो है वो 2nd June है, मतलब आज और कल का टाइम आपके पास है. सो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 199, जिस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप AL कोडर्स कोड यूज़ करेंगे. सो कोड और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसका लिंक लेकर इसको एनरोल कर सकते हैं. एंड जीतने वालों को टॉप 40 रैंकर्स को iPhone मिलेगा. देन यू हैव 90% स्कॉलरशिप फॉर IIT JEE एंड NEET UG एंड इट्स फॉर क्लास 9th and 10th, 11th 12th के लिए नहीं है. देन एवरी पार्टिसिपेंट विल गेट द अनअकैडमी टी शर्ट. सो वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट. ठीक है, आपकी सिटी में आप चेक करो लिंक पे क्लिक करके है या नहीं है, तो गो फॉर इट एंड गिव इट अ ट्राई. देन कम्स नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर द इंटरनेट. सो ओवर द इंटरनेट जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने सारे फुल फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन करे थे, वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको सारे फुल फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है. ठीक है, सो जैसे कि पहला प्रोटोकॉल यहाँ लिखा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जब हम किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करते हैं, जैसे आप नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहे हो, या आप कुछ भी अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो, तो वो FTP के थ्रू होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू. डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आज तक कभी पेपर में नहीं पूछा गया है, बट दिस इज़ व्हेन यू हैव टू होस्ट वेबसाइट्स देन इट इज़ यूज्ड. ये पूछ सकते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम, तो ये जो www.yahoo.com जैसे ये साइट्स होती हैं, तो इस पूरे सिस्टम को डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, जिसमें जो पूरा है वो URL होता है http://www.yahoo.com, लेकिन आपके पास डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम इज़ ओनली द लास्ट नेम www.yahoo.com. नेटवर्क फाइल सिस्टम विच मैनेजेस द फाइल्स ऑन द नेटवर्क, अगर मैं ड्राइव पे फाइल सेव कर रही हूँ तो कौन सी फाइल कहाँ सेव हो रही है उसको मैनेज करता है. SMTP is simple mail transfer protocol which is used to send or receive emails. POP3 post office protocol, जिसका काम है जो मेल बॉक्सेज होते हैं ना हमारे, जैसे एक इनबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स होता है, स्पैम फोल्डर होता है, सो वी हैव नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल बॉक्सेज,
तो वो जो मेल बॉक्सेस हैं वो आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में के थ्रू मैनेज होते हैं. देन सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दिस इज़ यूज ओनली फॉर योर बेसिक कनेक्टिविटी इन द नेटवर्क. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके थ्रू हमारी सारी वेबसाइट्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं, क्योंकि वेबसाइट बनी होती हैं HTML में, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से दे आर ओपन फ्रॉम द सर्वर ऑन द क्लाइंट मशीन. HTTPS भी आ गया है. HTTPS इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सो दैट मेक्स श्योर कि जो साइट आप ओपन कर रहे हो वो कोई फेक साइट नहीं है, वो वैलिड साइट है, वो सिक्योर है. देन यू हैव BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है. इसके अलावा भी है VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से हम अपनी वीडियो कॉल्स या वॉइस कॉल्स करते हैं यूजिंग इंटरनेट, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल हो गई, टेलीग्राम हो गया, गूगल मीट हो गया, ठीक है. सो वो जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वो होती है VOIP की हेल्प से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है VOIP, ये इतनी बार CBSE पूछ चुकी है पेपर में, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो कॉल चाहे वॉइस हो चाहे वीडियो हो, लेकिन प्रोटोकॉल उसमें VOIP ही यूज़ होता है. WLL वायरलेस लोकल लूप, इट इज़ यूज फॉर योर Wi-Fi. तो Wi-Fi के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है WLL. I'll try to give the link of that video जिसमें मैंने आपको सारी फुल फॉर्म्स और प्रोटोकॉल के यूसेजेस बताए हैं. सो जस्ट गो थ्रू दैट वंस, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. सो जितने करोगे उतने कम हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स कुछ भी पूछ सकते हैं CBSE में, ठीक है. बट ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो VOIP, FTP, SMTP, TCP/IP, HTTP ये वाले होते हैं, बट यू नेवर नो, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट. सो TCP/IP की फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिखी है, ये आपका काम है. अब आप फटाफट से TCP/IP की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि TCP/IP विच इज़ द बेस ऑफ इंटरनेट, जिसके ऊपर आपका पूरा इंटरनेट टिका हुआ है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है. सो दैट वॉज आर डे 14. अब एक दिन और हम नेटवर्क्स करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी टर्म्स रिलेटेड टू वेबसाइट्स, स्टैटिक वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं, देन आपके कंप्यूटर वायरसेस कितनी तरह के होते हैं, उससे बचने के लिए एंटीवायरस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है. सो बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं. सो वी विल बी डूइंग दैट टुमारो, दैट इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. और ये आपको ऐसे क्वेश्चन आता है पक्का 4 मार्क्स का, केस स्टडी का, जैसे आपको यहाँ विंग्स दिए हुए हैं, विंग्स के बीच में डिस्टेंसेस बताए हुए हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग बताया हुआ है. अभी हम इतना पढ़ चुके हैं कि आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो. जैसे कि पूछा गया है सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट टू कनेक्ट टू ऑल द विंग्स. तो लेआउट हमने देख लिया, स्टार इज़ द बेस्ट. और स्टार आप कैसे चूज करोगे कि आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में हैं, इसमें जेड विंग में. तो सबसे बेस्ट लेआउट होता है कि जिसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं. इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं कि सर्वर कहाँ प्लेस होगा. इस वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, बट अदरवाइज केस स्टडी में पूछते हैं. तो सर्वर भी कहाँ पे प्लेस होगा, वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, और उसको हम सेंटर में रख के उसको बाकी सबके साथ कनेक्ट कर देंगे. सो ये केबल लेआउट हो गया. फिर पूछा है सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ कनेक्शन बिटवीन द विंग्स. सो आंसर विल बी स्टार टोपोलॉजी, है ना. देन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स ऑफ दीज विंग्स. सो ये जो डिस्टेंसेज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये डिस्टेंसेज मीटर्स में है, मतलब ये सबको मिला के भी मैं 1 किलोमीटर की रेंज से बाहर नहीं जाऊँगी. सो दिस शुड बी अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है. ये लेआउट डिसाइड करने का एक और तरीका होता है कि हम शॉर्टेस्ट केबल लेंथ लेके भी इसको डिसाइड कर सकते हैं. जैसे कि आप इसमें सबसे छोटी केबल देखो कहाँ चाहिए, एक्स टू जेड. सो दिस इज हार्डली 40 मीटर्स. फिर आपके पास 40 के बाद है 60, जेड टू वाई, दिस इज 60. देन 70 है वाई टू यू. सो ये लेआउट भी हो सकता है, इसमें सबसे कम केबल चाहिए होगी. तो आप 2 सजेशंस भी दे सकते हो केबल लेआउट में, एक सर्वर की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली, और दूसरा केबल कम चाहिए हो, कम से कम लगे उसके अकॉर्डिंगली. सो वी कैन गिव 2 लेआउट्स एज वेल. तो पहला वाला स्टार था, ये बस है, ठीक है. बट दोनों में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. आप सिर्फ स्टार लिख के आओगे तो भी, इफ़ यू वॉन्ट तो आप 2 ऑप्शंस भी बता सकते हो विद द जस्टिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ फास्टर असेसिबिलिटी पहला वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ लेसर केबल लेंथ सेकेंड वाला है. सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस. इसमें ये हमेशा पूछा जाता है रिपीटर और हब. तो देखो हब और स्विच तो हर यूनिट में चाहिए होता है. तो हब यहाँ भी चाहिए, हब यहाँ भी चाहिए, हब यहाँ भी चाहिए, और हब यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है. रिपीटर कहाँ चाहिए होगा,
जो मैंने शॉर्टेस्ट केबल वाला लेआउट बनाया था उसमें तो कहीं भी नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ही बहुत कम थे। लेकिन जो ये वाला लेआउट बनाया था इसमें Z और U के बीच में 130 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 100 मीटर्स। सो एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 100 मीटर्स वी नीड अ रिपीटर बिटवीन Z एंड U विंग, ठीक है। और हबर स्विच सब जगह चाहिए। The school is planning to link to its other branch situated in Canada. Suggest a way to connect it. Transmission media बताना है। तो Canada और Mumbai को connect कर रहे हो तो long distance है, पैसों की कोई कमी यहाँ पे बताई नहीं गई है। So best option will be satellite. So we can connect with the help of satellite. So that is it. ये question 100% आएगा, चार number इसमें आपके आने ही आने हैं। ये पिछले साल का है, उसमें 5 questions थे, but अभी 4 आएंगे आपको। तो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा और ये 4 मार्क्स आपके पक्के आने चाहिए, इसमें आधा नंबर भी कहीं इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं है। मैं अभी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो आज अपलोड करूँगी जिसमें मैं 4-5 ऐसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, तो वो भी कर लोगे एक बार तो ये तो आपका पक्का हो जाएगा कि ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया, ये तो आना ही आना है, ठीक है। फुल फॉर्म्स याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म्स में पक्का आता है 1 मार्क का, तो ये 5 मार्क का कंप्यूटर नेटवर्क तो आपका यहीं हो गया। बाकी बचा 5 मार्क का, उसमें कोई भी डिवाइस के बारे में पूछ सकते हैं, टोपोलॉजी की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं, वेबसाइट की टर्म्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल। और मैंने ऐसे 2 सेट्स भी बनाए हैं जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं थियोरी वाले के, तो वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। जस्ट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, यू गेट दैट ओवर देयर। एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा जो जो मैंने समझाया है। इफ यस तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो, इसको पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। पेपर्स आ रहे हैं, सिर्फ अपना भला मत करो, सबका भला करो, पुण्य मिलेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, ऑल योर जूनियर्स ऑल्सो, जिनका 12th शुरू हो चुका है उनको भी आगे जाके काम आएगा। सो सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इन फ्यूचर इफ़ यू प्लान टू डू बीटेक बीएससी बीसीए कोई भी आप कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करने वाले हो, आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट टिल योर प्लेसमेंट इन अ वेरी गुड कंपनी। So that is it for this video. I'll see you soon. Till then, take very good care of yourself.